आप ध्वजा में जब हनुमान जी विराजमान हुए तो कहते हैं कर्ण का रथ और अर्जुन के रथ में टकराव होता था। अब कर्ण जब तीर चलाता था तो अर्जुन का रथ हिलता नहीं था, लेकिन अर्जुन जब तीर चलाता था तो कर्ण का रथ 3-4 कदम पीछे चला जाता था। तो अर्जुन भगवान को बोलता था, नीचे देखो हमारा रथ नहीं हिल रहा। भगवान बोलते थे, नीचे नहीं ऊपर देखो। तुम ऊपर इसलिए हो रथ के क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई और है। जय श्री राम दोस्तों, आशा है आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में आपके अपने चैनल द मॉन्क बाबा पे। आज के वीडियो में आपके पाप होने वाले हैं और साथ ही कुछ फनी और सीरियस क्लिप्स भी होने वाली हैं। दोस्तों सबसे पहले लाइक और कमेंट कर दीजिए, और जो राष्ट्रवादी मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके अपने राष्ट्रवादी मित्र का साथ दीजिए। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो कौन कहना गली गल कौन कहना तेन कौन कहना किड़े धरने लाने का विरुद्ध धरने लाने नहीं नहीं तू हो सवाल करो यार कोई तू ठीक कर सारे सवाल का हां फिर की गल बनी आपको सवाल नहीं आपको सिखा के जाएंगे। संजय सिंह ने भी सिखाई थी, आज हम भी सिखाएंगे आपको। मेरे सवाल छुपते हैं। जैसे संजय सिंह ने सिखाई थी तुम्हें तमीज, ऐसे आज मैं सिखा के जाऊंगा। आज मैं भी सिखा के जाऊंगा। संजय सिंह भी सिखा के गए थे तुम्हें, मैं भी आज तमीज सिखा के जाऊंगा। मैं वो कौन सी तमीज थी क्योंकि जो बदतमीजी आपने अपने रिश्तेदारों में खानदानों में जिस तरह से बात करते हो उस तरीके से बात सीखनी चाहिए, वो देख रहे हैं लोग। जिनको खुद तमीज की ABCD नहीं पता वो दूसरों से तमीज की अपेक्षा रखते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब क्या कह रहे हैं आप? लुकआउट नोटिस जारी करके कि मैं तो घर पे बैठा हूँ, आप बताओ मैं कहाँ आना है? मैं यही हूँ दिल्ली में, आप बताओ मैं आ जाता हूँ कहाँ आना है? अब क्या कह रहे हैं आप? लुकआउट नोटिस जारी करके कि मैं तो घर पे बैठा हूँ, आप बताओ मैं कहाँ आना है? मैं यही हूँ दिल्ली में, आप बताओ मैं आ जाता हूँ कहाँ आना है? Wait a minute. बेस्ट शिक्षा मंत्री। ये मनीष सिसोदिया हमारा शिक्षा मंत्री पागल है एक नंबर का। सही बात है दोस्तों, ये News24 का रिपोर्टर है, देखिए ये कैसे जानबूझ के BJP की बुराई कराना चाह रहा है लोगों से। मोदी जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। जब छापे पड़ रहे हैं ना गड़बड़ करिए, छापे पड़ रहे हैं ना, मारे तेरे पर छापे ना पड़ रहे, मारे पर कुछ है ना तो क्या छापा पड़ेगा। जब इन्होंने कुछ गड़बड़ करी है छापे पड़ रहे हैं तो फिर BJP वाले पे भी क्यों नहीं पड़ रहे? BJP पे क्यों नहीं पड़ रहे? BJP के एक भी नेता पे नहीं पड़ रहे, सब विरोधियों पे पड़ रहे। बताओ BJP का कौन सा नेता जो फंसा है? एक का नाम बताओ ना, एक का भी नाम बताओ ना, कौन सा फंसा है? एक भी नहीं फंसा उन्हें, मतलब बताओ कौन फंसा है? तो सरकार ही नहीं की है। जब सरकार ही नहीं की, जब सरकार ही नहीं की है, CBI इन पे है, ED इन पे है, किसी पे है? CBI ED तो उधर ही है। के पास आगे पीछे है क्या? वो तो देश के लिए मर रहा है और देश के लिए कर रहा हो जो कुछ कर रहा। शाबाश बेटा। दोस्तों ये रबड़ीवाल जी का पुराना इंटरव्यू है, देखिए कैसे इसमें दिखाया गया है कि कैसे ये अपने इंटरव्यू भी अपनी मर्जी के मुताबिक फिक्स करवाते हैं। वो वाला थोड़ा थ्योरेटिकल है, कॉर्पोरेट वाले जो बोल रहे थे ना, अच्छा काफी थ्योरेटिकल इसलिए उसमें मैं नहीं जुड़ा। अच्छा तो वो एक तो उसमें ये जितना मिडिल क्लास है वो एंटी हो जाएगा कि प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, कंपनियों के खिलाफ, वो मैं इसलिए मैं उसमें नहीं आ रहा। ओके, उस डिबेट में मैं पढ़ नहीं रहा था जानबूझ। बाकी और ये जो हाशिए पर जो 80% समाज है इसमें बोलेंगे, इसमें अब आ जाइए ना, उसको वोट बैंक तो वही है ना, असल में देश भर में बिल्कुल। और ये भूल गया मैं, हाँ, वो उसमें वो सब अगर हम उनके लिए कर रहे हैं। ये नहीं कहना चाहता कि ये सारे प्राइवेट वाले कर रहे हैं और कोई भी सरकार आ जाए प्राइवेट से कमीशन लेता है, हम पूरे प्राइवेट सेक्टर को नकार देंगे। ओके, वो मिडिल क्लास बहुत क्रांतिकारी
बहुत ही क्रांतिकारी हो गया आपका हिस्सा, उसी पर ज्यादा चला दीजिएगा। मैंने वो चलेगा, अरे भाई हम तो मैंने भगत सिंह वाला हिस्सा जो है फुलके साला बड़ा रिएक्शन आएगा, बहुत रिएक्शन आएगा भगत सिंह वाले वाला। ये है एक और एग्जांपल इनके फिक्स इंटरव्यू का। इनके इंटरव्यू के समय जनता भी इनके द्वारा बुलाई गई होती है और वो सिर्फ इनके पक्ष में ही बातें करती हैं। मेरी एज नहीं है काम करने की, मेरी एज पढ़ाई करने की है। 22 साल में लोग कॉलेज करते हैं, मैं इधर ट्रेनिंग ले रहा हूँ, एक साल मेरा भविष्य बनाऊ तो बाहर निकलूं। इधर क्या विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है सर। आपके जो से आप जैसे लोगों की जरूरत है, कुछ करो, हाथ जोड़ रहे हैं आपके लिए। मेरा नाम शाहबाज खान है, मेरा एड्रेस डोरा गांव है, डोरा हाजीपीर से 2। एक मिनट सर, हमारे को टाइम नहीं मिलेगा, हम गरीब लोग हैं, पैसे वालों की सुनते हैं। दे दो माइक। आप जैसे लोग हमारी सुनते हैं सर, और कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। अरे मैं अब बारी है आज के सोशल मैसेज की। हमारे मित्र ओमकार देशमुख जी का कहना है कि हमें अपने देश में ज्यादा से ज्यादा गुरुकुल खोलने चाहिए और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए। ओमकार जी का कहना बिल्कुल सही है, अगर हमें अपने धर्म को बचाना है तो अपने बच्चों को गुरुकुल वाली शिक्षा देनी होगी। ओमकार जी का यह भी कहना है कि हमें इसके लिए बीजेपी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करनी चाहिए। इसीलिए मैं ओमकार जी और अपने सभी सनातनी भाइयों की तरफ से मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मोदी जी, आपको तो पता ही होगा हमारे देश में कैसे वेस्टर्न कल्चर और मजहब कल्चर तेजी से हावी होता जा रहा है, इसीलिए हमें अपने बच्चों को सनातन संस्कृति से अवगत कराना होगा और उसके लिए हमें अपने देश में ज्यादा से ज्यादा गुरुकुल खोलने होंगे। कृपया इस पर भी आप ध्यान दीजिए। अब इस पर शायद हमारे कुछ मित्र कहेंगे कि हाँ मोदी जी तो आपकी बड़ी सुनेंगे। देखो मित्रों, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म किए जा मनुष्य, फल की इच्छा मत कर, और हम भी वही कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपका भी कोई सोशल मैसेज होगा तो मैसेज लिखने से पहले हेडिंग में सोशल मैसेज जरूर लिखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। अरविंद केजरीवाल से थी, क्या वो पूरी हुई? नहीं, उसके बारे में तो आप उनको पूछना है, हमें उसके बारे में जाना है नहीं। कीचड़ में क्यों जाना? क्या बोला तूने? कीचड़ में क्यों जाना? अच्छी बातें करना। ये कीचड़। गांधी जी के साथ आपको 3-4 महिलाएं दिखेंगी ही दिखेंगी, सही? मोहन भगवत के साथ आपने किसी महिला की फोटो देखी है? कभी देखिए, हो ही नहीं सकता। दोस्तों, यह क्लिप खासकर गुजरातियों के लिए है। यह क्लिप देखकर आपको अपना फैसला करने में और आसानी हो जाएगी। अगर मेरे खिलाफ विरोध करोगे तो मैं कुचल दूंगा, और गुजरात वालों, जो कर सकते हो मेरा बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ लो। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, और नए हो तो सब्सक्राइब करना। मोंक बाबा मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और अपने देश और धर्म से प्यार करते रहिए। जय हिंद, जय जय श्री राम। आज बताता हूँ, मैं विश्व रूप दिखलाता हूँ, मैं सत्य सनातन आदि पुरुष, मैं सत्य सनातन शक्ति हूँ, मैं अखिल विश्व की सत्ता हूँ, मैं मनुज हृदय की भक्ति हूँ। जब सत्य जागता है मुझमें, मैं सतयुग नाम धराता हूँ। जब सत्य जागता है मुझमें, मैं सतयुग नाम धराता हूँ। जब राम प्रकट हो जाते हैं तब त्रेता युग कहलाता हूँ। जब न्याय धर्म की इच्छा हो तब द्वापर युग हो जाता हूँ। जब काम क्रोध मद लोभ उठे तब कलि काल कहलाता हूँ। आनंद मग्न जब होता हूँ तब शिव शंभु कहलाता हूँ। और जब प्रलय तांडव नृत्य करूँ तब महाकाल हो जाता हूँ। मैं ही महादेव की डमरू, मैं ही वंशीधर का गान, और मैं ही परशुराम का फरसा, मैं ही श्री राम का वाण, और रावण का कोलाहल है, और सृष्टि का विजयनाथ हूँ। मनुज हृदय की जय जयकार।